जय हिंद एंड वेलकम बैक टू इटिकेट यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आपके फिर से सबका स्वागत करते हैं। तो इन्यूसेटर डॉट बंगल में रेगुलर कोर्स में पीजी में जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिशन हो गए हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके आज 13 नवंबर आज के टाइम में लेटेस्ट अपडेट आया कि एक नया डेट दिया गया है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट का तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन जिसका नहीं हुआ है उसके लिए एक नया डेट आया। उसी डेट में सारे कैंडिडेट को जाके आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है विथ सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जितना भी स्कैन करके आप लोग ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करते समय अपलोड किए थे, और साथ ही साथ ओरिजिनल प्लस जेरोस्कोपी लेके जाना है। तो कौन सा डेट है, क्या डेट नया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कितने बजे तक जाना है, कहाँ पे जाना है, दो कैंपस है, एक तो जलपाईगुड़ी कैंपस और एक तो यूनिवर्सिटी नॉर्थ बंगाल का राजा रामबनपुर यानी कि मेन कैंपस। तो दोनों कैंडिडेट को कहाँ पे जाके वेरिफिकेशन करना है पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको बोलेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए ताकि पूरा जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। तो बिना स्किप के पूरा देखिए पूरा जानकारी मिल सके, अगर आधा देखेंगे तो बाद में बहुत सारे कमेंट आपको करना होगा और कमेंट के माध्यम से आपको मैं कितना ही समझ पाएंगे आप लोग मेरे कमेंट से, ठीक है ना। इसलिए आप मैं जो बोल रहा हूँ कृपया करके थोड़ा सा देखेंगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए अभी तक जितना भी कैंडिडेट जो भी आगे का डेट था वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो अगर कर लिए तो उसका तो ऑलरेडी हो गया, और जो कैंडिडेट अभी तक नहीं किए उसके लिए नया डेट आया वो है 17 नवंबर 2022 सुबह 11 बजे से लेकर आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अभी देखिए आपका जो वेरिफिकेशन यानी कि 17 नवंबर का जो वेरिफिकेशन होगा उसका जो वेन्यू है कि कहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना है वो देख सकते हैं। HRDC गेस्ट हाउस, ठीक है, HRDC गेस्ट हाउस NBU फॉर बोथ, ठीक है, NBU फॉर बोथ यानी कि राजा रामबनपुर कैंपस और जोधपुर कैंपस दोनों के लिए यहीं पे जाके आपको वेरिफिकेशन करना है। ये जो एड्रेस है वो NBU कैंपस में एक हॉल रूम है जिसका नाम है HRDC गेस्ट हाउस, ठीक है, यहाँ पे जाके आपका सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाके वेरिफिकेशन करवा लेना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड हो गया, उसके साथ मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और उसके साथ जो कैंडिडेट का माइग्रेशन चाहिए यानी कि अदर्स यूनिवर्सिटी से अंडर से अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए दूसरा कोई यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए गोलबंग हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया या अदर्स कोई भी यूनिवर्सिटी से आप लोग अपना ग्रेजुएशन किए उसके बाद आप लोग चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी नॉर्थ बंगाल के अंडर से करने का सोच रहे या फिर एडमिशन हो गए तो उसके लिए आप लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए उसी कॉलेज का पहले जहाँ पे थे आप लोग, तो उसके लिए तो चाहिए। और जो सेम यूनिवर्सिटी से है अभी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है यूनिवर्सिटी नॉर्थ बंगाल तो उसके लिए नहीं चाहिए, तो यूनिवर्सिटी नॉर्थ बंगाल के अंदर से एफिलिएट कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया उसके लिए कोई भी जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपका वो चाहिए, आपका फिर इनकम सर्टिफिकेट जो भी आपका वीडियो लेवल का वो आपको चाहिए, फिर ज्वाइंट वीडियो लेवल का वो आपका चाहिए, और उसके साथ लास्ट में एक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कलर पासपोर्ट फोटो दो कॉपी लेके जाइएगा। और एडमिशन करने के समय ऑनलाइन जो पेमेंट किए थे उसके बाद आपको एक फॉर्म डाउनलोड किए थे आप लोग, तो उस फॉर्म को आपको लेके जाना है, ठीक है। उस डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट आउट कीजिएगा दो कॉपी, और साथ ही एडमिशन स्लिप भी नीचे मिलेगा उसको भी दो कॉपी करके प्रिंट कर लीजिएगा। और सारा डॉक्यूमेंट को आपको जीरोस करना है, एक कॉपी या दो कॉपी भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा चाहिए तो वापस सबमिट कर सकते हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और जो भी आर्मी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो आपको लेके जाना है। और ग्रेजुएशन का एडमिशन के समय एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है और रजिस्ट्रेशन भी आपको लेके जाना है, सारा कुछ ओरिजिनल प्लस जीरो। और अगर आप लोग पीएच कैंडिडेट यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास SC ST OBC जो भी है तो उसको भी लेके जाना है। तो यही सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। और जो अंडरटेकिंग एक सर्टिफिकेट मिलता है पेरेंट्स का और एक स्टूडेंट का, दोनों का आपको लेके जाना है, ठीक है। तो पेरेंट्स जिसमें पेरेंट्स लिखा हुआ है सर्टिफिकेट पे उसको पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, जिसमें स्टूडेंट लिखा है उसमें स्टूडेंट का सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। डिपोनेंट जिस पे लिखा है और डिपोनेंट में स्टूडेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, जिसमें स्टूडेंट लिखा है ऊपर में फॉर्मेट में, और जिसमें पेरेंट्स का लिखा है उसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पे दिखाता है ये जो फॉर्मेट है अंडरटेकिंग का, ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलेगा तो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग इस होम पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद 13 नवंबर यानी कि आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ एक नोटिफिकेशन यहाँ पे पब्लिश हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट फॉर एडमिटेड कैंडिडेट अंडर, ठीक है, एक्सटेंडेड यानी कि शेड्यूल को एक्सटेंडेड कर देगा। लास्ट डेट 14 नवंबर था उसको 17 नवंबर कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करता हूँ, मैं ऑलरेडी तो PDF डाउनलोड कर चुका हूँ फिर भी क्लिक करता हूँ और जो है PDF को डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले का डेट भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे जितना भी डेट था पहले का, तो
10 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख था। उसके बाद एक नया डेट आया है जो कि डेट है वो है 17 नवंबर 2022 सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, फिर 2:30 बजे से 4 बजे तक आपका वेरिफिकेशन होगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है मैंने जैसे कि बोला वीडियो में वो सारा आपको लेके जाना है। साथ ही साथ एक मैंने मिस और अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट ये जो PDF है इसको डाउनलोड करने के बाद नीचे आ जाएंगे तो ऐप आपको देख सकते हैं। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट ऐप आपको जो है मिल जाएगा ऐप पे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट का नाम, उसका फादर का नाम ऐप पे देख सकते हैं, कौन सा सेमेस्टर में एडमिशन हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर ऐप आपको देना है। और नीचे आएंगे तो ऐप पे डिक्लेयर दिस डे, मतलब जिस दिन आप लोग सबमिट करेंगे यानी 17 नवंबर को जाएंगे तो 17 नवंबर, हाँ नवंबर 17 डेज और मंथ हो गया आपका 11 और ईयर हो गया आपका 2022। सिग्नेचर डिपोनेंट ऐप पे होगा आपका स्टूडेंट का नाम और सिग्नेचर, ठीक है। तो ये सारा आपको करना है, यहाँ पे भी यहीं पे भी सेम है, स्टूडेंट का नाम और सिग्नेचर करना है। और उसके बाद नीचे गार्जियन का जहाँ पे लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं नीचे गार्जियन, तो आपका फादर है आपका गार्जियन, अगर आपका फादर है तो फादर का नाम, ठीक है, उसका जो कि है गार्जियन का नेम, फादर का आपका फादर का यानी ग्रैंडफादर का नाम, तो जो भी डालते हैं वो ऐप पे डालना है। और उसके साथ ऐप पे उसका सिग्नेचर, नेम, एड्रेस वगैरह आपको सारा कुछ दे देना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग इसको प्रिंट आउट करके सारा कुछ फिलअप करके आपको लेके जाना है। तो इस वीडियो में यही एक अपडेट था, आगे के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के लिए वीडियो का अपडेट पाने के लिए बने रहे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद फ्रेंड्स।